तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। फॉर्म्स लैब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो यहाँ पर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो है वहाँ पर मेडिकल सर्विसेज के लिए रिक्रूटमेंट रिलीज़ की गई है। तो यहाँ पर आपके पोस्ट डिटेल क्या रखे गए हैं, एज लिमिट क्या रखी गई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर आपके क्या होने वाले हैं और आपको अप्लाई कैसे करना है, उसके साथ में आपके इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या होने वाले हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखें। तो वीडियो में आगे बात करने से पहले मैं बता दूं कि हमारे वेबसाइट पर जॉब से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, एडमिट कार्ड से रिलेटेड सारी जानकारियां आपको मिल जाएंगी, जहां पर हमेशा अपडेट रह पाएंगे। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार जाके चेक कीजिए और हमारे वेबसाइट पर विजिट कीजिए। तो बात करते हैं यहाँ पर आर्म फोर्सेज की तरफ से जो मेडिकल सर्विसेज के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है इसके बारे में। तो यहाँ पर कैंडिडेट ऑनलाइन एप्लीकेशन कर पाएंगे। इम्पॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में यहाँ बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज। पोस्ट है यहाँ मेडिकल ऑफिसर के लिए पोस्ट अवेलेबल है 420 अप्रोक्सीमेटली। एप्लीकेशन आपके स्टार्ट होंगे 20 अगस्त 2022 से और लास्ट डेट है 18 सितंबर 2022 और ऑफिशियल वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं। पोस्ट डिटेल के बारे में यहाँ बात करें तो यहाँ कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई है, जहाँ मेल कैंडिडेट्स के लिए 378 और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 42 पोस्ट दिए गए हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में आप बात करें तो यहाँ पर MBBS या PG डिग्री होना चाहिए MBBS के साथ में। एज लिमिट के बारे में आप बात करें तो मैक्सिमम एज यहाँ 30 साल तक रखा गया है और इसके बाद जो PG के जो कैंडिडेट अप्लाई करने वाले होंगे उनके लिए मैक्सिमम एज 35 साल तक का रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में आप बात करें तो सिलेक्शन आपके बेस्ड होंगे रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर। यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। वहाँ जाकर आप क्लिक करेंगे तो सामने आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसको क्लिक करना है। इसके बाद में फॉर्म को फिल करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और उसके बाद में सबमिट का ऑप्शन दबा देना है और सामने जो डिटेल्स दिख रहे होंगे उनको प्रिंट में निकाल लेना है, जो फ्यूचर में आपके काम आने वाले हैं। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से पढ़ें। पोस्ट रिलेटेड सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो इसी तरह चैनल पर बने रहने के लिए और अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले।